हर 4 साल में एक बार 125 अरब भारतीय क्रिकेट से अपनी आंखें हटा लेते हैं और उन एथलीटों पर अपना भरोसा जताते हैं जिन्होंने बिना किसी तामझाम के बड़ी खामोशी के साथ खुद को अपने खेल में झोंक दिया। इस बार उम्मीदें की जा रही हैं कि वे ज्यादा ओलंपिक पदक के साथ घर वापसी करेंगे। भारतीय मुक्केबाज पूजा रानी ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पहले राउंड में बाई पाने वाली 30 साल की पूजा ने बुधवार को राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में अल जारिया की इचराक चाइप को 5-0 से हराया। अगर पूजा अगली बाउट जीत जाती है तो उनका मेडल पक्का हो जाएगा। मेडल की दहलीज पे खड़ी पूजा बॉक्सर बनने की कहानी काफी रोचक होने के साथ साथ देश के करोड़ों लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन भी है। पूजा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ इस खेल को अपनाया था। चलिए जानते हैं कि आखिर पूजा इस खेल में आई कैसे। ऐसा नहीं है कि पूजा रानी बचपन से ही बॉक्सिंग करना चाहती थी। 2008 में आदर्श कॉलेज भिवानी में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने तक उन्होंने कभी इस खेल के बारे में नहीं जाना था, न ही सोचा था। कॉलेज की फिजिकल टीचर मुकेश रानी महिला मुक्केबाजों का सिलेक्शन कर रही थी। उन्होंने पूजा को देखा और सोचा कि अच्छी हाइट के कारण यह लड़की मुक्केबाजी में अच्छा कर सकती है। फिर उन्होंने पहले से सिलेक्टेड लड़कियों के साथ पूजा को भी लाइन में खड़ा कर दिया। यहीं से पूजा के मुक्केबाजी सफर की शुरुआत हुई। कोच संजय कुमार के साथ भारतीय मुक्केबाज पूजा रानी एक साल तक घर में बॉक्सिंग के बारे में नहीं बताया था। पूजा कॉलेज की बॉक्सिंग टीम में तो चुन ली गई, लेकिन घर में इस बारे में कुछ नहीं कहा। पूजा के पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बॉक्सिंग करे। भिवानी देश के बॉक्सिंग का गढ़ है। इसके बावजूद हरियाणा पुलिस में कार्यरत उनके पिता राजवीर ने उन्हें यही समझाया कि अच्छी लड़कियां बॉक्सिंग नहीं करती। पूजा के घर वालों को डर था कि अगर मुक्केबाजी में चोट लगने से चेहरा खराब हो गया तो उनकी शादी कैसे हो। पूजा चाहती थी कि अगर घर वालों ने कभी उनका चोटिल चेहरा देख लिया तो बॉक्सिंग का सारा राज खुल जाएगा। इसलिए अगर उन्हें चोट लगती थी तो फिजिकल टीचर मुकेश रानी के घर पे ही रुक जाती थी। मुकेश रानी के पति संजय कुमार बॉक्सिंग कोच थे। बाद में उन्होंने खुद पूजा को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी। पूजा रानी 2017 की में दिवाली में पटाखे चलाते वक्त अपना हाथ जला बैठी थी। इस कारण उन्हें 8 महीने खेल से दूर रहना पड़ा। हाथ ठीक होने के बाद उन्होंने जल्दबाजी में पुरानी लय हासिल करने की कोशिश की। इससे उनका कंधा चोटिल हो गया। यहाँ भी कोच संजय कुमार ने उनका हौसला बढ़ाया और इंटरनेशनल बॉक्सिंग में उनकी वापसी कराई। पूजा रानी 2 बार की एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। पूजा रानी ने 2019 और 21 में गोल्ड मेडल जीता है। 2015 में उन्हें इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज और 2021 में सिल्वर मेडल मिला। इसके अलावा वे 2014 में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूजा रानी अपने गोल्डन पंच से भारत को एक पदक और दिला पाती हैं या और मुक्केबाजों की तरह ही 125 करोड़ भारतीयों को निराश करती।